hello friends this is the last part of the chapter in first four parts we saw meaning and definitions of principles of management nature and significance of principles of management henry Fayol's 14 principles of management and f.w taylor's principles of scientific management in the last part we will see techniques of scientific management given by f.w taylor

पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिए इसमें हम क्या काम है उसको कैसे सिस्टमेटिक ढंग से किया जा सकता है इसका अध्ययन करना जरूरी है वर्क स्टडी इज इक्वल टू टाइम स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस फटिक स्टडी इन चारों का अध्ययन यानी वर्क फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क स्टडी इज टाइम स्टडी टाइम स्टडी इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब टाइम स्टडी फिक्सेस द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसका अध्ययन टाइम स्टडी नाम से जाना जाता है टाइम स्टडी कैसे की जाती है तो एक काम करने के लिए कितना वक्त लगता है इसको जब हम घड़ी लेकर गिनते हैं उसे हम टाइम स्टडी कहते हैं टाइम स्टडी इज यूजफुल टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क टाइम स्टडी का उपयोग हमें वर्कर की इफिशियंसी टाइम स्टडी एक काम करने के लिए कितनी देर लगेगी कितने वर्कर लगेंगे कितने कितने वेजेस वेजेस देने पड़ेंगे, कितने देना अच्छा होगा यह सब का अध्ययन टाइम स्टडी करता है मोशन स्टडी इज द स्टडी ऑफ मोमेंट्स ऑफ मैन एंड मशीन्स इट स्टडीज

कैसे हम पोजीशन चेंज करते हैं इन सभी मोमेंट्स की स्टडी इसमें की जाती है मोशन स्टडी हेल्प्स टू इलिमिनेट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉइज मोशन स्टडी करने से कौन से मोमेंट्स प्रोडक्टिव है कौन से मोमेंट अत्यावश्यक है और कौन से मोशन अनप्रोडक्टिव है इनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं मोशन स्टडी का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन की और वर्कर की इफिशियंसी बढ़ाने में होता है मेथड स्टडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढना यह मेथड स्टडी का काम है रॉ मटेरियल परचेस करने से फिनिश्ड गुड बनने तक सभी एक्टिविटीज में हम ध्यान देते हैं और ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है यह चीज करने का फाइंडिंग बेस्ट मेथड इज वेरी चैलेंजिंग टास्क यह काम आसान नहीं है बहुत मुश्किल है सबसे अच्छा तरीका ढूंढना द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाए वेस्टेज कम करे और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाए फटीक स्टडी अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही वर्क फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प टू रिगेन स्टैमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी कोई भी आदमी बहुत देर तक काम करता है तब उसे बीच में थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है अगर ये उसे रेस्ट मिलती है तो वो फिर से नए स्टेमिना के साथ काम कर सकता है वर्कर को अगर सफिशियंट टाइम के बाद ब्रेक नहीं मिला अनसुटेबल काम करना पड़ा टारगेट का प्रेशर रहा या बॉस के साथ बार बार नोकझोंक होती हो बहुत हेवी वर्क करना पड़ता हो या पुअर कंडीशन हो तो ज्यादा थकान आती है फटीक में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय द स्टडी ऑफ फटीक एंड स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय फटीक स्टडी सीक टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क कितने देर के बाद रेस्ट देनी चाहिए कितने देर के लिए रेस्ट देनी चाहिए इसका अध्ययन फटीक स्टडी में होता है फटीक स्टडी अगर हमने ठीक से की तो वर्कर की इफिशियंसी बढ़ती है जिसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स Taylor was strong supporter of standardization. Standardization means the process of setting standards for every business activity. He conducted many experiments and developed standard tools and equipment. Scientific methods are used to analyze method of production. Standardization helps टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फटीग अमॉन्ग दर्कर्स एंड इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क टेलर स्टैंडर्डाइजेशन का सपोर्टर था टेलर कहता था कि स्टैंडर्डाइजेशन से हम हर चीज का स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं जिसकी वजह से उनका मेजरमेंट आसान हो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से वेस्टेज कम होता है मटेरियल का खर्चा भी कम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है वर्कर में जो थकान है उसमें भी कमी आती है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग टेलर एम्फोसाइज्ड नीड फॉर फिक्सिंग फेयर डेज वर्क साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दूंगो देयर कैपेसिटी टेलर जो है वो कहता है कि एक दिन में वर्कर ने कितना काम करना चाहिए यह हमने पहले ही डिसाइड करना चाहिए अगर हम यह पहले डिसाइड कर लेते हैं तो उसकी वजह से एम्प्लॉ को पता होगा कि उसे दिन में कितना काम करना है और वो अपनी पूरी कैपेसिटी लगा देगा वो अपनी कैपेसिटी से काम काम करेगा करेगा। अन्यथा वो पूरे कैपेसिटी से काम नहीं टेक्निक एम्प्लॉज विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन एंड मैनेजमेंट कैन प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इस टेक्निक की वजह से वर्कर भी अपनी पूरी कार्य क्षमता से काम करेगा और मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि सबसे अच्छा प्रोडक्शन कैसे और कितना हो सकता है नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर

अच्छे एम्प्लॉयिज़ चुनने चाहिए ये अच्छे एम्प्लॉयज़ चुनने के लिए हमने रीगरस प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए हमने यह नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे पहचान का है ये मेरा रिलेटिव है ऐसे सिलेक्शन हम करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन्नति नहीं कर पाएगी सिलेक्शन होने के बाद हमें अपने एम्प्लॉयिज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और प्रॉपर ट्रेनिंग देने से हम उनकी इफ़िशेंसी बढ़ा पाएंगे Next technique of scientific management is functional organization. In this concept, Taylor separated planning from implementation. It means planning is done by different people and actual work is supervised by different people. He extended this principle to the lowest level of the shop floor, hence,

वो कहता है कि ये फंक्शन नीचे तक यानी फोरमन जहां तक काम करता है लोअर लेवल तक ये फंक्शन होते हैं दोरमन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड दाइएस्ट रैंकिंग वर्कर फोरमन कौन होता है वर्कर पे सुपरवाइज करने वाला मैनेजर यानी फोरमन सही मायने में वो सबसे लोवेस्ट रैंक वाला मैनेजर होता है एक अच्छा फोर्मन बनने के लिए कुछ क्वालिटीज आवश्यक होती है जैसे कि इंटेलिजेंस एजुकेशन टैक्ट जजमेंट स्पेशल नॉलेज एनर्जी ऑनेस्टी एंड गुड हेल्थ ये सभी क्वालिटीज एक आदमी में मिलना संभव नहीं है टेलर ने आठ स्पेशलिस्ट का प्रावधान किया है ये स्पेशलिस्ट अपने अपने क्वालिटीज के अनुसार काम करते हैं इन स्पेशलिस्ट को और दो भागों में बांटा गया है। चार प्लानिंग वाले और चार एग्जीक्यूशन वाले आउट ऑफ दिस एट फोर मंथस फोर आर असाइंड प्लानिंग वर्क दीज आर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रूट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लीरियन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क काम क्या है तो वो इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता है वर्कर के लिए और उन्हें अपना काम क्या है वह समझाता है रूट क्लर्क का काम है कि वो काम का सीक्वेंस लगा कर दे और मटेरियल कैसा प्रोसेस होने वाला है यह डिसाइड करे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है कि वो टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाए फिर है डिसिप्लिनेरियन जिसका काम है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और यह सुनिश्चित करे कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं टेलर डिवाइडेड प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज इन फोर फोर मंथ्स। दीज आर स्पीड बॉस गैंग बॉस रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर स्पीड बॉस का काम क्या है तो काम समय पर हो और कम से कम देरी हो यह सुनिश्चित करना गैंग बॉस का काम है कि मटेरियल मशीन्स और टूल्स वर्कर्स को सही जगह पर सही वक्त सही मात्रा में मिले यह सुनिश्चित करना रिपेयर्स बॉस का काम है कि मशीन्स और टूल्स अच्छे ढंग से चले यह सुनिश्चित करना और इंस्पेक्टर का काम है कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी यह दोनों मेंटेन हो रहे हैं क्या यह सुनिश्चित करना नेक्स्ट टेक्निक ऑफ लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान टेलर वाज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस रेट वेज सिस्टम ही वांटेड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफिशियंट एंड इनफिश वर्कर्स टेलर कहता है कि हमने एक दिन में कितनी चीजें बनानी चाहिए इसका एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए और हमने देखना चाहिए कि वर्कर वो स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं या नहीं जो वर्कर ये स्टैंडर्ड अचीव करेंगे उन्हें वो इफिशियंट मानता है और जो नहीं करते उन्हें वो इनईफिशियंट मानता है he wanted to reward efficient workers he believed that it will motivate the inefficient workers taylor suggested that those who are working as per the standard they should get higher wage rate and those who are not working as per standard they should get reduced wage rate so that पीस रेट सिस्टम समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ईट का कारखाना था इस कारखाने में तीन दोस्त काम करते थे जॉन जॉनी और जनार्दन इनको एक ईट बनाने के लिए पांच रुपए मिलते थे और इनको एक दिन में स्टैंडर्ड तीस ईटे बनाना जरूरी था अगर जो भी वर्कर तीस ईटे बनाता है या तीस से ज्यादा ईंटे बनाता है तो उसे वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ पीस रेट मिलने वाला था और जो भी स्टैंडर्ड से कम यानी तीस से कम ईंटे बनाएगा उसे एटी परसेंट ऑफ पीस रेट मिलने वाला था यानी वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ पीस रेट यानी पांच रुपए के एक सौ बीस परसेंट यानी छह रुपए मिलेंगे और 80% परसेंट ऑफ पीस रेट यानी चार रुपए मिलेंगे तो क्या हुआ स्टैंडर्ड कितना था? 30 ईटे रोज बनाना मगर जॉन ने 28 ईटे बनाई जॉनी ने 30 ईटे बनाई और जनार्दन ने 35 ईटे बनाई जॉन ने स्टैंडर्ड से कम ईटे बनाई जॉनी ने स्टैंडर्ड के इतने ही यानी एट पार ईटे बनाई और जनार्दन ने स्टैंडर्ड से ज्यादी ईटे बनाई तो कितना रुपया पीस रेट था एक पीस बनाने पे कितने रुपए मिलने वाले थे पांच रुपए मिलने वाले थे मगर जॉन को चार रुपए मिले क्योंकि उसने तीस से कम ईटे बनाई थी यानी स्टैंडर्ड से कम ईटे बनाई थी जॉनी ने स्टैंडर्ड के इतनी बनाई थी यानी एट पार उसलिए उसे 120 परसेंट ऑफ पीस रेट यानी छह रुपए पर पीस के हिसाब से वेजेस मिले हैं और जनार्दन ने अबो पीस अबो स्टैंडर्ड बनाई है उसलिए उसे छह रुपए पर पीस मिलने वाला है इसका मतलब जो जॉन है उसको वेजेस मिले एक रुपए जॉनी है उसे वेजेस मिले एक और जो जनार्दन है उसे वेजेस मिले दो सौ दस रुपए इसका मतलब जो इफिशियंट वर्कर है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से या स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करता है उसे ज्यादा मिलते हैं और जो कम काम करता है उसे कम वेजेस मिलते हैं इस सिस्टम को डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम नाम से जाना जाता है जो कि टेलर ने मैनेजमेंट को दी थी Thank you, friends. We completed our first chapter, that is, Principles of Management. In the next chapter, we will see Functions of Management. Thank you, thank you very much.